जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह और मैं हूं कर्नल दानवीर। मैं आज बात करूंगा मुंबई हमले की, और बात मुंबई हमले की एज सच नहीं करूंगा, मैं ये बात करूंगा कि ये सब याद रखा जाएगा। ये सब याद रखा जाएगा क्योंकि ये चीज ही ऐसी हुई थी और ये हमला भी इसी तरीके का था कि आप इसको आसानी से भुला नहीं सकते। आपने ये कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, और उम्मीद के अलावा एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी था। इसराइल की मोसाद ने भी आपको खबर दी थी, और इसराइल करेक्शन अमेरिका की CIA ने भी आपको इतला दी थी, लेकिन उस इतला के बावजूद भी आप इस हमले को रोक नहीं पाए। तो मेरे ख्याल से ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी था, ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला भी था। तो बहुत सारे कारणों से इसको याद रखा जाएगा। इसको याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान ने ये एक इतना बड़ा हमला हमारे ऊपर थोपा, और इतने बड़े हमले के बाद भी हमने कोई कार्रवाई नहीं करी। याद रखा जाएगा कि हमने इसके जवाब में कोई भी कार्रवाई नहीं की। याद इसलिए भी रखा जाएगा कि हमारे ही लोग इस हमले के लिए हम ही को दोषी करार देने लग गए। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिशियन है, दिग्विजय सिंह, उन्होंने RSS का हाथ बता दिया। वहीं एक बॉलीवुड से जुड़े भट्ट साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ISI या पाकिस्तानी जो आतंकवादी संगठन है उनकी एक मिलीजुली सांठगांठ थी। तो बड़े ही अलग-अलग अंदाज में बेहूदगी जो है वो प्रस्तुत करी गई, और देश को गुमराह करने का भरपूर प्रयास किया गया। याद रखा जाएगा, ये भुलाने वाली चीजें नहीं है दोस्तों, इन सबको याद रखना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के जकीर रहमान लकवी जो इसके मास्टरमाइंड थे, या कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड तो खैर ISI होता है, लेकिन जो इस मुंबई हमले का पाकिस्तानी चेहरा था, तो डायरेक्टर था, उसको जेल भी हुई, लेकिन जेल में वो बाप बन गए। याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को किस तरीके से संरक्षण देता है, किस तरीके से उनको बाप बनने की इजाजत देता है। याद रखा जाएगा, याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि याद तो खैर रखा ही जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बात करते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं ये दरअसल होते कौन है। ये बड़े आसानी से हम ये कह सकते हैं कि जी ये इस्लामिक टेररिस्ट हैं, वो ये हैं वो हैं इस्लाम, और फटाफट हम इस्लाम को गाली देने लगते हैं। लेकिन दरअसल इसमें गाली जो के असल हकदार हैं वो किरदार हैं जो इस्लाम का पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं, और इस्लाम को इस तरीके से पेश करते हैं लड़कों को कि वो उनमें एक जुनून पैदा हो जाता है, और जुनून पैदा होने के बाद में इनसे जो भी काम बोला जाए वो काम ये करवा लेते हैं। अब दुनिया के अंदर कौन से ऐसे रिलीजन हैं जिसमें बहुत ज्यादा जुनूनी पाए जाते हैं? इस्लाम है, और अगर इंडिया की बात करें तो इस्लाम है, और इस्लाम के साथ साथ सिख भी हैं। ये लोग काफी जुनूनी लोग हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। जुनूनी हैं, बहुत भारी जुनून है, और इनको बड़ी आसानी से आप ट्रिगर कर सकते हैं, किसी भी वॉयलेंस की तरफ इनको मोड़ सकते हैं। और यही चीज का फायदा पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की तो कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में, तो जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अनपढ़ जाहिल उनकी आवाम है, पढ़ने लिखने की कोई उन्होंने ऐसी सहूलियत दी नहीं है देश को, मुल्क को। मुल्क में तालीम बहुत कम स्तर की है, और जो तालीम है वो मदरसों की तालीम है, और जो उससे वहां से निकल के आते हैं बच्चे मजहबी तालीम लेके आते हैं, और इसी मजहबी तालीम के फायदे
फायदे से और या इसका इस्तेमाल करके या गैर या मिसयूज करके आईएसआई और पाकिस्तान की फौज इन बच्चों को, इन लड़कों को बरगला देती है और आतंकवादी काम करने के लिए इनको प्रोत्साहन दे देती है। अब मैं एक अपना तजुर्बा शेयर करता हूं। तजुर्बा ये है कि एक हमने एक हमारा एक हमारा एक एनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर बड़ा लंबा चौड़ा चला और हमारा मींस की फौज का, और उसमें मैं शामिल नहीं था। उस एनकाउंटर के बाद काफी सारे पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए और जो कश्मीरी लड़के थे उनमें से कुछ लड़कों ने सरेंडर भी कर दिया, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी रहती थी कि पाकिस्तानी छोड़ना नहीं और कश्मीरी को जितना हो सके उतना बचाना है, तो हम बचाने का प्रयास करते थे, सरेंडर का की अपीलें करते थे, आज भी करते हैं। और तो इनमें से ये लड़के कुछ सरेंडर हुए। जब इनकी इंटरोगेशन हुई, इनसे बातचीत हुई जिसमें मैं शामिल था, तो उसमें ये बात निकल के आई जब उनसे बहुत लंबी लंबी घंटों घंटों बातें हुई और उन्होंने बताया कि कैसे जब उन्होंने कश्मीर छोड़ा था तब कश्मीर के पॉलिटिकल हालात क्या थे और पॉलिटिक्स के चलते जुनून में उन्होंने कश्मीर छोड़ा, पाकिस्तान के अंदर साल डेढ़ साल दो साल रहे और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हुई और उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि कैसे ट्रेनिंग होती थी, कौन आता था, क्या होता था, उसमें मौलवी आता था, मौलवी रोज क्या पढ़ाता था, क्या कराता था। तो उसका जो लबोलबाव ये है कि पूरे टाइम इस्लामिक मोटिवेशन होता था और ये बताया जाता था कि तुम कश्मीर छोड़ के आए तो कश्मीर के अंदर ये हालत है कि मुसलमानों को वहां पे नमाज अदा करने नहीं दी जा रही है, औरतों के साथ में उल्टा सीधा काम हो रहा है, बच्चियों के साथ में बदसलूकी हो रही है, कुरान की तौहीन हो रही है और मसाजिद जो है दुनिया भर के शहीद करे जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। वो जमाना वो था जब इंटरनेट नहीं था, कोई और तरीका नहीं था असलियत जानने के अलावा, पाकिस्तानी टेलीविजन, पाकिस्तानी रेडियो ये सब प्रोपेगेंडा करते थे और प्रोपेगेंडा इसी तरीके से करते थे कि इन लड़कों को और इन सब इन्हीं लड़कों को नहीं, जो पाकिस्तानी जो आवाम है वो भी यकीन कर ले कि हाँ हिंदुस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसमें बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ उसने और ज्यादा उसको पावर दे दी कि देखिए हम कह रहे थे कि ऐसा हो रहा है और देखिए हो रहा है। तो ये जो इंटरोगेशन में निकल के आया है कि जितने ये पाकिस्तानी लड़के आए थे, देखिए जो कश्मीरी लड़के गए थे वहां पर वो एक पॉलिटिकल कारण से, यानी कि जैसे मतलब कि बीजेपी जीत गई तो कांग्रेस वाले बाग खड़े हो गए और वो बागी हो गए, समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे कश्मीर के इलेक्शंस रिग हुए, फारूक अब्दुल्ला ने उनको रिग किया और जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था वो हार गया, और जो हकीकत भी है कि रिग हुए थे वो इलेक्शन और उससे लोग मायूस हो गए और पाकिस्तान चले गए। उनको लगा कि भाई हम अब हमें पाकिस्तान का ही रुख कर लेना चाहिए क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी से उनका उनका मन जो है उठ गया था। तो बहरहाल तो वो ये बताते थे ये लड़के जो जिनके साथ जिनको इंटरोगेट किया, जिनको हमने डीब्रीफ किया, मैं कहूँगा इंटरोगेशन का तो मतलब ही कुछ अलग ही निकाला जाता है, कि जितने ये लड़के थे पाकिस्तानी ये बहुत ही गरीब परिवार के थे और इन सब को इनके घरों को पैसे दिए गए थे, एक एक लाख दो दो लाख जो भी 50,000 डिपेंडिंग ऑन कि कितने में डील हो जाए, क्या सेटिंग हो जाए, और फिर इनको भर्ती कर लिया गया था और भर्ती करने के बाद में उनमें इस्लामिक जुनून भरा गया और उसके बाद में उनको भेजा गया और मेजॉरिटी ऑफ देम यहाँ पे आके खत्म ही हो जाते हैं, बचता कोई नहीं है। तो मैं जो ये आपको ये बता रहा हूँ, ये बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें ये ज्यादातर 99.99% लोग बहुत ही गरीब किस्म के लोग होते हैं, वेल टू डू फैमिलीज के लड़के बच्चे ये जिहाद विहाद और ये सब कहानी करने नहीं आते, गांव के गरीब तबके के लोग जो कि 8-8, 10-10 बच्चे हैं, खाने को है नहीं, तो एकदम से आपको 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 कहीं से मिल जाए
आप कहते हैं ठीक है यार इतने हो रहे हैं और ये तो सब अल्लाह की देन है और अल्लाह दोबारा दे देगा, पहले रहो और चलता रहेगा काम, तो वो फिर एक आधा बांट देते हैं कि चलो ठीक है ये हमने दीन के नाम पे दे दिया। और कसाब जो मुंबई का जो जो आतंकवादी था जो पकड़ा गया, उसके जैसे ही वो पकड़ा गया तो पाकिस्तानी टेलीविजन वाले उन्होंने उनका उसका गांव ढूंढ लिया, गांव ढूंढ लिया, उसका परिवार ढूंढ लिया, ये पता लगा लिया कितने पैसे में उसको बेचा था ISI को, LET को, लश्करे तौयबा को, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आ गई। फिर अचानक से ISI को रियलाइज हुआ यार ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने फिर पूरी पाबंदियां लगा दी। तो यही एक रियलिटी है पाकिस्तान की, एक ये बहुत ही सैड रियलिटी है। और ये जितने भी ये जो आतंकवादी हैं, इनको इनका ब्रेन वॉश होता है और ब्रेन वॉश होने के बाद में इनको इस तरीके से मरने के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब इंडिया के अंदर भी ये कहते हैं यार इनके ऊपर खर्चा बहुत कम हुआ है और इस कम खर्चे में इन्होंने भारत के ऊपर भारत के मसाइल बढ़ा दिए हैं और भारत का बहुत भारी खर्चा कर दिया है। बात बिल्कुल सही, लो कॉस्ट हाई गेन, कम पैसे पर बहुत ज्यादा मुनाफा, तो ये ऐसा ही हुआ। लेकिन अब इतने सालों के बाद जब हम इसको पीछे मुड़ के देखते हैं और पाकिस्तान के आज के हालात देखते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि ये जो जिहाद जो पाकिस्तान ने सो कॉल्ड जो जिहाद जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर छेड़ा हुआ है, उसमें दरअसल उसकी पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। आप देखिए कितने हजारों पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बगैर कश्मीर में घुसे मारे जाते हैं, उस इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए लाखों लाखों रुपए का एमिनेशन जो है पाकिस्तान फायर कर देता है कवर फायर देने के लिए, और फिर जाके कहीं 100 में से 1 या 2 आतंकवादी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडिया साइड में आता है, वो कोई हरकत कर देता है, हमारे 2-4 जवानों को शहीद कर देता है। तो ये एक कॉस्ट फैक्टर है। अब इसको मैं अनइमोशनली मैं आपसे विनती करता हूं कि इसको अनइमोशनली आप समझने की कोशिश करिए। जो वो 1 या 2 आतंकवादी आया जिसने हमारी सेना के ऊपर हमला किया, हमारी पुलिस के ऊपर हमला किया, और फिर लोग इसकी कॉस्ट करते हैं कि यार एक आतंकवादी को 3 महीने की ट्रेनिंग दी, 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आके उसने एक फौजी मार दिया जिसकी 1 साल की ट्रेनिंग थी, 5 साल की, 8 साल की, 10 साल की नौकरी थी, उसने इतने सारे कोर्सेज किए थे, ये किया था, वो किया था, और उस पर इतना खर्चा हुआ था, तो कुछ हजार रुपए खर्च करके पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए का एक फौजी मार दिया। लेकिन अब इसको आप आइसोलेटेड केस ना देखिए, उस आतंकवादी को पाकिस्तान के अंदर ISI ने किसी गरीब परिवार से खरीदा होगा, उसके ऊपर दुनिया भर के इंस्ट्रक्टर, मौलवी और दुनिया भर के लोग उसके ऊपर नियुक्त करे होंगे, और ट्रेनिंग कैंप चलाने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होगा और है, और उसके बाद में ये पौध को डेवलप किया होगा, स्टॉन्च बनाया होगा, उसके बाद में इनको ट्रांसपोर्ट करके फॉरवर्ड कैंप्स में ले गए होंगे, दुनिया भर का अरबों रुपए का वो एमिनिशन बर्बाद करके और फिर इन्फिल्ट्रेशन लॉन्च करी होगी, और उसमें भी जैसे मैंने बोला 100 में से 1 का दुक्का पार हो पाता है, बाकी सब मारे जाते हैं, कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, बुरी तरह मारे जाते हैं, उनको कोई उठाने तक नहीं आता, वहीं पड़े रहते हैं, अगर कोई पाकिस्तानी भेज के कोई खींच के ले जाए तो ले जाए, कई बार ले भी जाते हैं, कई बार वहीं पड़े रहते हैं, रात में भेड़िए भूड़िए कुत्ते काते खा जाते हैं उनकी लाशों को, ये हालत और ये हश होता है। तो मुंबई में भी यही हुआ, मुंबई में अगर प्योर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत डेयर डेविल उन्होंने अप्रोच ली, समुन्दर के रास्ते आए और उसके बाद में उन्होंने मुंबई पे एक बहुत बड़ा हमला किया, इंटरनेशनल लेवल का उन्होंने नुकसान उठाया पहुंचाया, कई सारे लोग मारे गए, इसमें अमरीकी, इजरायली और यूरोपी मूल के लोग थे, और बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने भी शहादत दी, और खर्चा एपरेंटली कम था लेकिन गेन बहुत हाई था। लेकिन अगर उसको आप पूरे ओवरऑल डायमेंशंस के साथ देखें तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, जो कश्मीर कश्मीर चिल्लाता था
वो लोग उसकी जो बातों पर यकीन नहीं करने लगे, लोगों को ये मालूम चल गया कि ये आतंकवादी देश है, आतंकवादी मुल्क है, और लोगों को असलियत पाकिस्तान की पता लग गई। पाकिस्तान ने जो खरबों रुपए जो खर्च करे और ये आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, तंत्र बनाया, इंडस्ट्री बनाई, उसमें इतना पैसा खर्च हुआ कि आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर ये हालत है कि खाने को पैसा नहीं है, बिजली का बल्ब जलाने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने के लिए। तो ये पाकिस्तान ने इस कश्मीर प्रेम में ये खोया, ये गवाया। पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद आपको मालूम ना हो, 1965 की जंग से पहले हिंदुस्तान से बहुत बेहतर थी, बहुत तरक्की कर रहा था, और कराची एक बहुत ही शानदार शहर उभर के आ रहा था, मुंबई और बॉम्बे से या बॉम्बे से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड नजर आ रहा था, और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान की छवि बहुत अच्छी थी। लेकिन ये कश्मीर का जो प्रेम है ये इस मुल्क को ले डूबा। 65 की जंग भी हारा, वो बात और है कि वो क्लेम करते हैं कि वो जीत गए, 65 की जंग हार गया, और उसके बाद से उसकी इकोनॉमी का सत्यानाश होना शुरू हुआ। 71 की जंग में मुल्क के दो टुकड़े हो गए, और उसके बाद में आपने कारगिल की जंग में देखा कि ये हालत हो गई कि अपने जवानों की डेड बॉडी तक लेने के लिए नहीं आए। और आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी जिसके अंदर नवाज शरीफ जो है खिसियाने से खड़े हुए हैं, और इसी तरह परवेज मुशर्रफ की भी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें रुआंसी सी शक्ल बनाए हुए थे, और उनकी कितनी भारी शिकस्त हुई। प्रॉक्सी वॉर के अंदर भी जो आतंकवाद की जो लड़ाई उसने छेड़ी हिंदुस्तान के खिलाफ, वो भी आज हारता हुआ दिख रहा है, बल्कि हार ही चुका है। पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ सत्यानाश कर दिया उन्होंने। उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे अपने ही जिस्म के टुकड़े कर दिए, अपना ही खून बहा दिया, सिर्फ सिर्फ कश्मीर के लिए, और चूरन इस्लाम का, नाम कश्मीर का, और खून आम पाकिस्तानी का। तो मैं ये पूरी कहानी इसलिए बता रहा हूं कि ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद कर दिया हमें बर्बाद करने के लिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक साथ एकजुट खड़े हैं, और इस तिरंगे की खातिर हम जान भी देने के लिए तैयार हैं, और हमारे कितने लोगों ने इस तिरंगे के लिए शहादत दी है, और इसीलिए हमारे जो इंडिपेंडेंस है वो सुरक्षित है, आज हम आजाद हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरे भारतवासियों की एक भावना है जिसकी वजह से हम एकदम आज भी मजबूत हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है, और इसके लिए हमें बहुत प्राइड फील करना चाहिए। अब चलते चलते ये भी बात कर दूं कि मनीष तिवारी, थोड़ी पॉलिटिकल बात भी हो जाए, मनीष तिवारी ने अपनी किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के बाद एक सेंटीमेंट था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए, लेकिन हमारी जो मैडम है, मैडम सोनिया गांधी, शाही परिवार है भारत की पॉलिटिकल स्पेस के अंदर, पॉलिटिकल फैमिली के अंदर, उन्होंने इस चीज के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि ये माना जाता है और ये माना गया कि अगर पाकिस्तान को ज्यादा तंग किया गया तो हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, वो नाराज हो जाएंगे। कितना बेवकूफी वाला ये लॉजिक है, ये कैसे लॉजिक आता है मुझे समझ नहीं आता। हमारे तो कितने सारे मुसलमान दोस्त भी हैं, मुसलमान फौजी भी हैं, उनको कितना कैसा लगता होगा कि यार ये हमारे बारे में ये क्या बेवकूफों वाली बातें सोचते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत है। और इसी अपीजमेंट के चलते आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का तो आपको पता ही है क्या आश्रय है, और लेकिन क्योंकि उस समय हम फौज में थे और तब आर्मी भी पूरी तरह अलर्ट थी, स्टैंड बाय पे थी, और एयरफोर्स की तो फॉरवर्ड बेसिंग भी हो गई थी, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी हवाई हमले की तैयारी हो गई थी, और पता नहीं क्यों ये लोग डर गए, और इन्होंने डरने के बाद वो कार्रवाई नहीं करी। इनफैक्ट उस टाइम के जो एयर चीफ थे फली मेजर, उन्होंने भी ये कहा कि यस हमें प्यूनिटिव कार्रवाई करनी चाहिए थी और वो हमने नहीं करी, लेकिन
लेकिन अगर जब भी कभी कोई ऐसी कोई कार्रवाई हो तो हमें करनी चाहिए। और इन इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बालाकोट की बात को एक आज याद कर लें तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगी। आज से पहले कितनी बार कोई अगर हिंदुस्तानी जोर से छींक भी मार देता था तो पाकिस्तानी मिनिस्टर आ जाते कि हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। आप छींक मारे पाकिस्तानी न्यूक्लियर बम चला देते थे, हमला करने के लिए तैयार हो जाते थे। उनको लगता था कि ये हमारा ड्रामा कायम चल रहा है। लेकिन बालाकोट के बाद, उड़ी के बाद ये सब हवा फुस हो गई, कहानी खत्म हो गई। और अब वो न्यूक्लियर हमले की कोई बात ही नहीं करते। भाई न्यूक्लियर हमला कैसे करोगे? अगर ये गलती कर दी तो तुम्हारा मुल्क खत्म हो जाएगा, दोजक की आग में तुम सारे के सारे भस्म हो जाओगे, जल जाओगे, हवा बन जाओगे। तो वो ये कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ गीदड़ भभकियां थी जो कि जिनका कोई मायना नहीं है। और बस यही है, यही मैं आपको बात करना चाह रहा था, यही बात आपसे मैं करना चाह रहा था और अंडरलाइन में उसको दोबारा कर लूं कि हमें ये सब बिल्कुल कतई नहीं भूलना चाहिए। याद रखना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ, हम क्या क्या करना चाहते थे, हमारी फौजें किस चीज के लिए तैयार थी, हमारे बहुत सारे नेता भी तैयार थे, लेकिन हमारे कुछ ऐसे जो लीडर थे जो इम्पोर्टेंट थे उन्होंने वो काम नहीं करने दिया, जिसका हमें खामियाजा काफी देर तक भुगतना पड़ा। और जब से बालाकोट उड़ी हुई है तब से आप देख लीजिए देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं कितनी हुई हैं। आप खुद ही गिन लीजिए अगर आप गिन सकते हैं, और अगर आपको गिनती में कुछ आपको हासिल होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि कहाँ कहाँ पे हमले हुए। तो ये है कहानी कि अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप स्ट्रांगली जवाब देते हैं तो उसका मैसेज आता है। और क्योंकि हम लार्जली एक हिंदू कंट्री हैं और हम लोगों की प्रवृत्ति जो है बहुत सहने की है, हम लोग सहते बहुत हैं और अपने आप को विक्टिम पेश नहीं करते हैं। बट इंसिडेंटली आजकल हम करने लग गए हैं, आजकल हम पॉलिटिकल स्पेस में करने लग गए हैं क्योंकि दैट इज हाउ इट वर्क्स। अदरवाइज हम लोग अपने आप को कभी विक्टिम पेश नहीं करते। और हमारी एक और गलती जो है एज हिंदू सिविलाइजेशन की, हम बड़ी जल्दी चीजें भूल जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं और इसी चीज को अंडरलाइन भी कर रहा हूं कि हमें ये सब याद रखना पड़ेगा। हम याद रखेंगे और हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि मुंबई हमले क्यों हुए, उसका जवाब हमने कैसे दिया या कैसे नहीं दिया, राजनीति कैसे हुई कैसे नहीं हुई, और आगे चल के अगर कोई भी ऐसी हरकत होती है तो हम क्या करेंगे, ये हमें अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए एक बार फिर, चाहे आप बोर हो जाएं, हम नहीं भूलेंगे और इसको याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये मेरा वीडियो देखा। थैंक्स एंड प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।